वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी मेरी मम्मा की रेसिपी है और वो बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो मैंने सोचा ये टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो उसके लिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है मीट। मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है और आप बिल्कुल साफ़ लेना इसे। और जी मैंने ले लिया है 1 टेबल सॉल्ट, ज़ीरा, गरम मसाला, साबुत लाल मिर्च और जी मैंने ले ली दालचीनी और बड़ी इलायची। एंड मैंने ले ली है चने की दाल। चने की दाल मैंने अच्छे से धो के भिगो दी थी। चलिए फिर सबसे पहले हम हमारे मीट को बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, या पैन आप जो लेना चाहे, आप इसे कुकर में भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने सारा मीट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल जो हमने भिगो के रखी थी। अब हम इसे कर देंगे मिक्स। एंड इसमें हम अब ऐड करेंगे हमारे सारे मसाले। हमने इसमें हमारे सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे एंड हम इसे अब करने रख देंगे बॉईल। हमें इसे जब तक पकाना है, जब तक हमारा मीट अच्छे से पक नहीं जाता। 10 से 15 मिनट बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप इसको इस तरीके से चेक कर लेना। ये ऑलमोस्ट 30 मिनट लेता है पकने के लिए एंड जब वो अच्छे से पक जाए तो हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। एंड ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव, ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आए एंड हम इसे हमारे मीट से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर में ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया था तो सॉल्ट हम कम डालेंगे। एंड हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले, हमारी वेजीज अच्छे से हमारे मीट से मिक्स हो जाए एंड हमारे कबाब बहुत टेस्टी से बने। एंड यू कैन सी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से बॉल्स बनाएंगे या टिक्कीज़ बनाएंगे और ये बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है ये। सो हमने इसे ठंडा होने दिया था 10 से 15 मिनट के लिए एंड देन हम छोटे छोटे सी बॉल्स बना के इसकी टिक्की टाइप्स बना लेंगे। आपको इसे ना बहुत ज़्यादा बड़ी करनी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी, आपको इसे नॉर्मल साइज में रखना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरीके से मैं सारी टिक्कीज रेडी कर लूँगी और अभी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। आपको इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। हमें इसे अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। ये अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड जब बात हो मम्मी के हाथ की खाने की तो वो तो सबसे पहले आता है और बच्चों को आधा फूडी करने के पीछे सीरियसली सबकी मम्मी का ही हाथ होता है। वो इतना टेस्टी खाना बनाती है कि बस फिर
दिल ही नहीं करता कुछ और खाने का। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर दिया है। एंड अब हम इसे डिश आउट करेंगे। एंड आप देख सकते हो ये कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने इसे अनियन के साथ एंड लेमन के साथ अच्छे से गार्निश कर दिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।